अब देखते हैं हम डाइस। एक डाइस में कितने कोने होते हैं? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा जी, ये बात पता चल गई। अब हमारे कोर्स में जो सवालात आते हैं एक डाइस के या टू डाइस के, अब जब एक डाइस का सवाल आएगा ज़्यादातर एक के ही आते हैं, तो बड़ा सिंपल है। टोटल आउटकम्स होगा 6n, यानी 6n। आउटकम्स हो मुराद, यानी जो भी प्रॉबलिटी होगी उसमें हम डिवाइड किससे करेंगे? 6 से। और जब दो डाइस होंगे तो 6 का स्क्वायर 36 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, कॉइन प्रॉब्लम में कहानी, चूँकि कॉइन के दो सिरे होते हैं, हेड और टेल, तो 2n चलती है। तो ज़रा ध्यान से देखते हैं। हमने कहा कि डिवाइड करेंगे 6 से, चलो बात समझ में आ गई। जैसा कि कहते हैं कि जी, इफ़ वन डाइस इज थ्रो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट परफेक्ट स्क्वायर इज कम। अब आखिर ये परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है? देखो, 1, 4, 9, 16 सब परफेक्ट स्क्वायर है। 1, 1 का, 4, 2 का, 9, 3 का, और 16 जो है वो किसका होता है? 4 का। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में परफेक्ट स्क्वायर आने का चांस कितना है? तो देखो, एक तो परफेक्ट स्क्वायर 1 है, और कोई परफेक्ट स्क्वायर है? जी हाँ, 4 है। कितने परफेक्ट स्क्वायर हो गए? 2। तो सिंपल में क्या करूँगा, 2 को 6 से डिवाइड कर दूँगा। अब 6 से क्यों, सिंगल डाइस की बात हो रही थी। 2/6 मेरा आंसर आ जाएगा, 1/। तो देखो, डाइस प्रॉब्लम में आपको सवाल आ सकता है कि जी, डाइस हम फेंक रहे हैं तो बताएं ऑड नंबर आने का चांस क्या है, इवन का चांस क्या है, प्राइम का चांस क्या है, कंपोजिट का चांस क्या है। तो डाइस के लिए वैसे जो टोटल हमारे आउटकम होते हैं वो होते हैं 6n। एन से मुराद नंबर ऑफ डाइस। अब जैसा कि एक डाइस है तो 6n, ये क्या हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा। जैसा कि गौर से देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 नंबर है हमारे। तो अगर ऑड नंबर की बात आए तो भाई ऑड इसमें से कौन कौन होंगे? 1, 3 और 5। आंसर हाफ आ जाएगा। और अगर इवन की बात करें तो 2, 4, 6 इसका भी हाफ ही आ जाएगा। ठीक है, कल को पूछे कि प्राइम नंबर कौन कौन से, तो प्राइम देखो 2, 3 और 5, 3 नंबर प्राइम है। तो आंसर 3/6 हो गया, ऑफ कोर्स 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अरे भाई 3 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1/2। अब बात करें कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने अलावा किसी से डिवाइड ना हो। तो डाइस प्रॉब्लम के जो शुरू के 6 नंबर हैं, इनमें से 2 कंपोजिट नंबर होते हैं, 4 और 6। तो ये हो जाएगा 2/6, यानी कि 1/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, हम डाइस प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि एक डाइस आप फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो कल कला को सवाल आ जाता है कि जी, ऑड नंबर आने का चांस कितना है, इवन नंबर का कितना चांस है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट कहलाता है हमारा डाइस प्रॉब्लम। अब देखो, बात ये होती है कि सवाल आए, इफ़ वी थ्रो अ सिंगल डाइस, कितना डाइस? एक डाइस, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट क्यूब इज कम। अब देखो, डाइस में क्या क्या होता है? 1 होता है 2 होता है 3 4 5 6। क्या इनमें से कोई परफेक्ट क्यूब है? परफेक्ट क्यूब होते क्या हैं? जैसे कि 1 1 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, और 3 27 का क्यूब है। तो एक डाइस जब हम थ्रो करते हैं तो भाई परफेक्ट क्यूब तो 1 8 27 होते हैं। क्या इन परफेक्ट क्यूब में से कोई आता है? ना 6 क्यूब होता है, ना 5 ना 4 ना 3 ना 2, बस सिर्फ एक 1 क्यूब होता है। तो सिर्फ एक ही नंबर क्यूब है, ऊपर मैं 1 लिखूँगा। और चूँकि बात हो रही है सिंगल डाइस की, ठीक है, सिंगल डाइस में हमेशा हम डिवाइड किससे करेंगे? 6 से। ठीक है, किसी भी चीज़ को डिवाइड किससे करेंगे? 6 से। इस बात को बार बार जहन में बैठा लो तो सिंपल आंसर आ जाएगा। मैथ्स में इंग्लिश की टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का मतलब होता है आयदर, एक का मतलब है ना आयदर। अब देखो, जब एक सिंगल कॉइन हम उछालते हैं तो बात ऑड नंबर की, जैसे कि मैंने बात पहले भी करता रहा हूँ कि ऑड नंबर, अब देखो 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, ऑड नंबर का आंसर हाफ। इवन नंबर 2, 4 और 6, 3 नंबर हैं, 3 को 6 से डिवाइड किया, हाफ आ गया। ये तो बात हो गई जब इवन और ऑड की। अब एक बड़े काम की बात समझो, हमारे कोर्स में तो सिर्फ 2 डाइस के सवालात आते हैं, लेकिन 2 डाइस हो, 3 डाइस हो, 4 डाइस हो, 5 डाइस हो, ठीक है, नंबर ऑफ डाइस जितने भी हो, अगर कभी भी सम ऑफ ऑड की बात आएगी, किसकी? सम ऑफ ऑड की, वो भी आंसर हाफ होगा। सम ऑफ इवन की होगी तब भी आंसर हाफ होगा।
अब देखो आ जाए आयदर इवन और ऑट, ठीक है, आयदर इवन और ऑट, या तो इवन या ऑट। तो अब देखो आयदर के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, जिन जो दो चीज़ों की बात की गई है इनको सम कर लेंगे। अब देखो तीन तो इनमें से वो हैं जो कि ऑड हैं, एक दो तीन, ठीक है, और तीन हो गए इवन। टोटल आउटकम कितना है, छः, तो थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स अपॉन सिक्स वन। तो आयदर ऑड और इवन आ गई प्रॉबलिटी वन, और वन का मतलब होता है मैक्सिमम, यानी ऑफकोर्स 100% प्रॉबलिटी में वन, तो इसका मतलब है। और ऑफकोर्स यार देखो कोई भी नंबर या तो ऑड होगा या इवन होगा, जीरो भी इवन में शुमार होता है, तो जब भी आयदर इवन और ऑड की बात होगी आंसर वन हो जाएगा। अच्छा तुम लोग मुझे जाओ तो अगर आए नायदर इवन नॉर ऑड, कोई ऐसा है जो नायदर इवन नॉर ऑड हो? हाँ जी, नायदर इवन नॉर ऑड वाला कोई भी नहीं है, तो नायदर इवन नॉर ऑड का आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो बाय अपॉन सिक्स। जीरो अपॉन सिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, जीरो। वेरी इन हाउ मेनी वेज कैन अ ट्रूप ऑफ फाइव सोल्जर बी फॉर्म आउट ऑफ सेवन सोल्जर? पांच सोल्जर का आपको ट्रूप बनाना है और आउट ऑफ सेवन सोल्जर। तो मेरे भाई सीधी सादी बात है, जब भी सिलेक्शन की बात होती है हम लगाते हैं कम्बिनेशन, सेवन कम्बिनेशन फाइव, यानी ऊपर तो आ जाएगा सेवन का वेक्टोरियल, नीचे फाइव का वेक्टोरियल तो आएगा। सेवन माइनस फाइव क्या होता है, टू वेक्टोरियल होता है। और सेवन वेक्टोरियल को मैं सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव वेक्टोरियल तक सॉल्व करूँगा, और टू वेक्टोरियल टू, फाइव वेक्टोरियल फाइव वेक्टोरियल कैंसिल, ये कैंसिल हुआ, सेवन थ्री 21 आंसर।